उठ जल्दी उठ। सुंदर सा घर है, अभी तो इतना मैसी है, तब झूमर सुमर, खूबसूरत सा मछलियों के साथ में। हाँ हेलो, मैं बोली थी ना कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, और बताया भी था मलीसा से, तो मिल लीजिए। कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिस की है आप। हाँ, मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने पे आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आदमी हूँ, इनके पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आदमी नहीं हुई हूँ मैं, कुछ नहीं बोलूँगी, शर्मा गई। तो मनीषा मेरे लिए स्पेशल डिनर बना रही हैं, जो कि बनाती नहीं है जल्दी, लेकिन ये खास लोगों के लिए बनाती है। तो जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप घर पे आए और मनीषा बना रही है तो खास है, अगर नहीं बना रही है तो समझ जाइए। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये बन रहा है मटर पनीर, और देख लीजिए ग्रेवी कितनी ज़्यादा, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होगा इसका अंदाज़ा। इतना खूबसूरत लोग खाना बनाएगा वो तो ऐसे ही होता है। अच्छा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यूट्यूब पे बोल रही हूँ, मेरे सारे जितने भी मेरे जानने वाले हैं सब एक ही बात बोलते हैं कि मनीषा नहीं सुंदर के हूँ नहीं खे। फोटो नहीं अच्छा आता है, हाँ बहुत सुंदर है। जब मैंने मनीषा को पहली बार देखा था तो हम लोग का रिएक्शन था वाओ गुड़िया जैसी, गुड़िया जैसी। और अभी मेरी एक फ्रेंड है वो आपको देख के गई है ऐसे सामने से, अब नाम क्या बताऊँ आपको, तो वो बोली कि हाँ ये दादा इनका सबकी तो बहुत ज़्यादा सुंदर बाड़ी, तो ये बात है। और इनसे मैं खाना बनवा रही हूँ, तो ऐसा कुछ मत समझिएगा कि मैं बनवा रही हूँ, ये बना रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बाय बाय। तो यहाँ पर लग चुकी है मेरी थाली, और खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया था कि मैं क्या तारीफ़ करूँ आप सबके साथ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी हो चुका है मॉर्निंग, और मैं उठ के प्यारी गुड़िया बच्चे की तरह नहा ली हूँ, जो कि मतलब ऐसा हो जानी है मोस्टली कि मैं सबसे पहले उठ के नहाऊँ ही, लेकिन नहा ली हूँ तो अच्छा महसूस हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि अभी मैं डिसाइड नहीं की हूँ। और आ चुका है गर्मा गर्म नाश्ता, देखिए नाश्ते में 6 पूड़ियाँ, ये मैं सारा नहीं खाऊँगी ये मत समझिएगा, छोला प्याज और मिठाई, पूड़ी मैं कम खाऊँगी। आप सोच रहे होंगे कि थाली में ले लिए तो खाने के लिए ही, लेकिन देखती हूँ पूरी बहुत छोटी छोटी है तो खा सकती हूँ शायद। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, और मिलते हैं आप सबसे थोड़े टाइम के बाद। दस बजे रात अस्थि का नजारा, झूमर सुमर, खूबसूरत सा मछलियों के साथ में। हाँ हम आ गए हैं रमना के लिए कपड़ा लेने। रमना के लिए 2 कपड़े पसंद आए हैं, एक ये वाला और एक ब्लैक कलर का जिसमें पर्स है। रमना को वही पसंद आया है, पर्स वाला, एक ब्लैक छोटा सा पर्स है उसमें। अरे मैं कब से करी, इसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, कोई तो बोल दो ये वाला। इसका स्कर्ट अच्छा, नीचे स्कर्ट दिखा, अच्छा भी लग रहा है ये। हाँ पानी वाला, ये देखिए यहाँ पे फवारा है, व्यवस्था टंच है यहाँ पे, लोग खड़े हैं, चलिए चलिए खड़े मत रहिए। और मैं के लिए फाइनली एक कपड़ा मतलब पसंद कर लिया गया है, दीदी वहाँ पे पेमेंट कर दी।
और अम्मा को एक पर्स वाला भी पसंद आया था, ब्लैक ब्लैक कलर का पर्स। बस पर्स ले लेके एक छोटा सा। दीदी डर के आ रही है एकदम, देखिए कैसे रोड क्रॉस करती है। अरे 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 लीची, अरे मैं को बहुत पसंद है लीची, और कोई नहीं खाता है। शांति दी और ये दोनों लोग, हम लोग तो छूते भी नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे लीची से एलर्जी है। तो हेलो जी, मैं आ गई हूँ अपने घर पे फाइनली, अपने फ्रेंड के यहाँ पे रह के, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आज हम पूरे दिन गोदौलिया गए, क्योंकि आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मुझे गोरखपुर जाना है 15 तारीख को, तो वहाँ के लिए मुझे साड़ी चाहिए थी, और मुझे साड़ी बहुत डिसेंट चाहिए थी, लेकिन बहुत खूबसूरत भी चाहिए थी। कलर भी मुझे बहुत ऑफ चाहिए था, बट मुझे कलर भी बहुत प्यारा चाहिए था। तो हम संतुष्टि गए थे, जिनको बनारस की जो होंगे वो जानते होंगे, या फिर जो जिन्होंने संतुष्टि से साड़ियाँ ली हैं। तो साड़ी तो अभी मैं नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि साड़ी अभी पॉलिश होने के लिए वहीं पे है, फॉल पिको पॉलिश करके वो मुझे कल देंगे, तब मैं उसका ब्लाउज को स्टिच करने के लिए दूंगी। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो लाइट जलती तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाती, बट मैं कुर्ती ले आई हूँ। ओ लाइट जला दी रहा मैंने, देखिए एक मैंने ये कुर्ती ली, ये मेरी सारी फ्रेंड्स ने ही खरीदवाए हैं, मतलब उन्हीं ने मुझे सजेस्ट किया कि शॉप से लीजिए। आपको पता है मनीषा जो है वो मेरी, मतलब एक फैमिली जैसा हम लोग का एक बॉन्ड है, तो काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये देखिए मैंने एक ये कुर्ती ली है अपने लिए, और ये कुर्ती ली है मैंने प्रियंका के लिए, ये देखिए। और ये सारी ऑफलाइन है, प्राइस बहुत हाई नहीं है, सब मतलब सस्ती हैं, मतलब ऐसा नहीं है बहुत महंगी। ये कुर्ती मैंने पहन के जाने के लिए ली है, आप लोग बताइएगा। और ये कुर्ती मैंने पता नहीं किस लिए ली, मतलब मैंने 3 कुर्ती ली है। और मैंने आरम्या के लिए एक ड्रेस ली है, जो कि इसमें है, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हमने उसको वहाँ पे ट्राई करवाया था। तो ये सारी कुर्तियाँ मैंने आरम्या के लिए ली हुई हैं, अरे अपने लिए और प्रियंका के लिए ली हैं। और एक कुर्ती मैंने ली है प्रियंका के लिए, मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो वहाँ पे ना इतना मज़ा आया, मतलब मैं कल गई थी आज आई हूँ, और वो रोक रही थी कि 2-3 दिन और रुकिए, लेकिन मुझे बहुत सारे काम थे। मुझे बनारस में अभी मेरे को बहुत सारे, मतलब 1-2-3 नहीं बल्कि 8-10-12-15 काम थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने सारे काम निपटाऊंगी। और उनकी भी पढ़ाई चल रही है, तो फिर वो भी अपना पढ़े लिखे, लेकिन सच में इतना अच्छा वेलकम और इतना प्यार देने के लिए मनीषा ये वीडियो देख रही होंगी, तो तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमें बहुत 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 अच्छा लगा। देखिए आप कहीं भी जाते हैं और आपको अपनापन जो मिलता है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, कि आपको मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ मुझे वहाँ जाके ऐसी ही फीलिंग आती है हमेशा। और मेरे लिए ना कोलैबोरेशन के लिए भी साड़ियाँ आई हैं, तो मैं सोचा चलो एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, जो मैंने अभी देखी भी नहीं है ठीक से। देखिए एक ये कुर्ती है, ये कुर्ती नहीं, ये कॉटन वाले जो गाउन है, जो आजकल सारे इन्फ्लुएंसर ही पहन रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। एक ये है और एक ये है, और बनारस आते ही मेरे शुरू हो गया दिखाने का काम आप लोगों को। और एक ये जिमी चू की साड़ी है, जो कि बहुत 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 ब्यूटीफुल है। तो पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये ग्रीन भी ना, बहुत खूबसूरत ग्रीन है, कि मैं ये साड़ी पहनूंगी जब मैं जाऊँगी। ये एक ये साड़ी है जिसपे इस तरीके का बॉर्डर है, एक ये साड़ी भी थी, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं मैं खरीद लेती हूँ एक साड़ी, क्योंकि मेरा बजट, आज मेरा बहुत पैसा खर्चा हुआ है, अभी मैंने अपना अकाउंट भी चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ कभी कभी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों के लिए कर लेना चाहिए। तो हमने फाइनली शॉपिंग कर ली है, और ये सारा मैंने फैला दिया हुआ है। तो मिलेंगे आप सबसे एक अगले वीडियो में, पता एक आसर का तब पूछिए इतना एक शान कोई नहीं है, दर्द का दवाई तब वो एकदम चैन नहीं है हमारे सास हुए। प्रियंका बनाएगी चाय, और फिर मैं बनाऊँगी सब्जी, और प्रियंका बनाएगी रोटी।
डांट रही है ये मुझे। दो दिन खाती रही मैंने डटबू तो कहा खाए तो दे हम बना देते नहीं सब्जी निनवा खूब सुगर लझोर। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को खूब 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 सारा प्यार दीजिएगा और वो भी मेरा अपना ही घर है। हम ही जरूर नहीं है वीडियो खातिर। चलिए मिलते हैं आप सबसे।